हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपका एक बहुत अनमोल गहना है और इस अनमोल गहने को आपको हमेशा अपने साथ बनाए रखना है, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो आपको वो सब कुछ हासिल करवा देता है जिसको हासिल करने की आप इच्छा रखते हैं या जिसको हासिल करने के लिए आप थोड़े से प्रयास भी करते हैं, क्योंकि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही है जो आपके अंदर एक एनर्जी भरता है, एक उमंग भरता है, एक उत्साह भरता है जीवन के अंदर हर उस ऊंचाई तक जाने के लिए जिस ऊंचाई तक आप पहुंचना चाहते हैं। सो मेक श्योर अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखें। परमात्मा हमेशा हर क्षण आपके साथ है और आप देखेंगे कि आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड और परमात्मा की उपस्थिति आपको किन ऊंचाइयों तक लेकर के जाती है। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हर एक वीडियो के नीचे आ रहे हैं कि सर, सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में शरीर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, बॉडी की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्लेकी हो जाती है, क्या हम अपने घर में एक बेहतरीन ढंग का एक मॉइस्चराइज़र बना सकते हैं? सो डेफिनेटली आंसर है येस, लेकिन थोड़े से आपको मेहनत करनी होगी, थोड़े से आपको प्रयास करने होंगे, कुछ चीज़ों को जुटाना होगा और उन चीज़ों को जुटा करके आप अपने घर में बाज़ार में जो अवेलेबल मॉइस्चराइज़र्स हैं उनसे बेहतरीन एक मॉइस्चराइज़र बना सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसे आपको हर 15 दिन में बनाना होगा, क्योंकि आप एक नेचुरल मॉइस्चराइजर बना रहे हो जिसे आपने बिना प्रिजर्वेटिव के बनाया है। सो डेफिनेटली इसे 15 दिन से ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे 15 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी बाई चांस आप बना नहीं पाते हैं या आपके पास मटीरियल नहीं है, तो आप इसे रेफ्रिजरेट में स्टोर करके 20 से 25 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो। सो देखते हैं किस तरह से इस मॉइस्चराइज़र को बनाना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और उन इंग्रेडिएंट्स के क्या कुछ फ़ायदे हमारी स्किन को मिलने वाले हैं, यही सब कुछ है आज इस वीडियो के एजेंडा के अंदर। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पसंद आता है सो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दें, ताकि आप हमारे इस YouTube परिवार का हिस्सा बन सकें। और अगर आप हमें देख रहे हैं Facebook या Instagram पर तो हमें फॉलो जरूर करें। हर रोज हम अपने इस चैनल पर आपको इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स देते हैं एंड बहुत सारे मोटिवेशनल शॉर्ट्स भी देने लगे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी का अनुभव कर सकें। सो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो दोस्तों, पहला इंग्रेडिएंट जो इस बॉडी लोशन को या बॉडी मॉइस्चराइजर को बनाने के लिए चाहिए, जिसे आप चेहरे पर भी लगा सकते हैं, वो है चुकंदर। चुकंदर, जिसे इंग्लिश में बीट रूट कहा जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बीटा कैरोटीन होता है और ये बीटा कैरोटीन जो है ये बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारी स्किन के अंदर जो ड्राइनेस आ गई है, हमारी स्किन के अंदर जो पपड़ियाँ बन गई हैं, हमारी स्किन में जो रूखापन आ गया है, चेहरे पर या हाथ पर ऐसे हाथ लगाते ही सफ़ेद रंग का एक पाउडर गिरता है, उन सबको कंट्रोल करने में बीटा कैरोटीन हमें मदद करते हैं। बीट रूट के अंदर विटामिन ए भी होता है, जिसको रेटिनोइक एसिड या रेटिनॉल भी कहा जाता है, वो हमारी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है। सो आपको एक मीडियम साइज का चुकंदर लेना है, उसको अच्छे से आप कद्दूकस से या तो घिस लीजिए या फिर एक मिक्सी के अंदर आप उसे ग्राइंड कर लीजिए और उसे स्क्वीज करके, उसे निचोड़ करके उसका जूस निकाल लीजिए। जब आप उसका जूस निकाल लेते हैं तो आप समझिए कि आपका आधा काम यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि इस मॉइस्चराइजर के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होने वाला है वो आपके ये चुकंदर का रस ही है। सो लगभग 4 चम्मच के आसपास आपको इस बीट रूट के जूस को ले लेना है। नंबर 2 इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करना है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट है, मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि वो हवा से आपकी स्किन को नमी देने का काम करती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहती है, नरिश्ड रहती है और आपकी स्किन के ऊपर जो प्लम्पीनेस आपको चाहिए, जो गुगली बुगली बुश जैसा जो आपको लुक चाहिए, वो देने में ग्लिसरीन आपकी मदद करती है। सो लगभग 1 चम्मच के आसपास हमें यहाँ पर ग्लिसरीन ऐड करना है।
नंबर तीन इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप मार्केट का ले सकते हैं, एलोवेरा जेल आप प्लांट पेस्ट भी ले सकते हैं, जो आपको इजीली मिल जाए और जिस पर आपका विश्वास हो, जिस पर आपका ट्रस्ट हो, वो एलोवेरा जेल आप लीजिए। एंड उस एलोवेरा जेल का काम होगा यहाँ पर इस मॉइस्चराइजर को एक बॉडी देना, एक कामिंग एंड सूदिंग टेक्स्चर जो हमें चाहिए वो प्रोवाइड करना। लगभग 4 चम्मच के आसपास हम यहाँ पर एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। जब भी आप एलोवेरा जेल ऐड कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आप विदाउट कलर एलोवेरा जेल लें, मतलब आपके जेल के अंदर कोई भी कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो आपको अपने जेल को नेचुरल दिखाने के लिए उसमें कलर्स ऐड करके देते हैं। 4 चम्मच एलोवेरा जेल डालने के बाद अगला जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है स्वीट आमंड ऑयल, जो बादाम का जो तेल होता है वो ऐड करना है। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप नारियल का जो सिंपल तेल हमारे घरों में होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। लगभग 2 टेबलस्पून के आसपास, मतलब 2 चम्मच के आसपास आपको यहाँ पर नारियल का तेल या फिर स्वीट आमंड ऑयल ऐड करना है। ये जो तेल होते हैं ये आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन में एपिडर्मल वाटर लॉस जो होता है, मतलब कि आपकी स्किन से वाटर जो एवेपोरेट होता है ठंडी हवाओं की वजह से, वो बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन हेल्दी दिखाई देती है और उस पर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज आपको नज़र आती हैं। नंबर 5 इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पे डालना है, जो कि लास्ट इंग्रेडिएंट है, वो है विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे। विटामिन ई जो है वो नेचुरल एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देने वाला इंग्रेडिएंट है, साथ ही साथ ये हमारी स्किन पर एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर जो फ्री रेडिकल्स का डैमेज हो रहा होता है उसे आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। सो मेक श्योर कि 2 कैप्सूल यहाँ पर विटामिन ई के जरूर डालें, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से आपके किसी भी केमिस्ट की शॉप पर आपको मिल जाएगा। इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद अच्छे से आप मिलाइए और तब तक मिलाइए जब तक कि ये एक वाइट क्रीमी फ्लफी जो क्रीम है उसमें कन्वर्ट नहीं हो जाता। कभी कभी जब आप चुकंदर बहुत ज्यादा पका हुआ ले लेते हो तो उसकी वजह से ये क्रीम वाइट नहीं होकर के पिंक में रह जाती है, क्योंकि कारण होता है बीटा कैरोटीन, मतलब कि आपके जो चुकंदर में जो कलर था वो। सो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि अगर आपकी क्रीम पिंक कलर की भी रह जाती है या हल्की सी रेडिश टोन में भी रह जाती है, वो नेचुरल है, वो आपके बीट रूट के जो जूस है उसकी वजह से हो रहा है। सो आपकी क्रीम बनके तैयार है, मॉइस्चराइजर बनके तैयार है, इसे आप दिन में 2 बार 3 बार जरूरत के हिसाब से अपने शरीर पर अपने चेहरे पर लगाइए एंड आप देखेंगे कि ये आपकी स्किन को बहुत लंबे समय तक नरिश्ड रख रही है। इसे 15 दिन से ज्यादा ना बनाएं, अगर बना भी लेते हैं तो उसे रेफ्रिजरेटर में एयरटाइट डब्बे में डाल के रखें। दोस्तों अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि वर्किंग है, जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो इस तरह के DIYs को ट्राई कर सके, तो वो कुछ एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट चाहते हैं जो कि उनकी स्किन को हाइड्रेट भी रखे और साथ ही साथ में उनकी स्किन पर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करे। सो ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्रिस्टल ग्लो का जो बॉडी लोशन है, जो मॉइस्चराइजिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग लोशन है, ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये आपकी स्किन को लंबे समय तक नरिशमेंट देने के साथ साथ आपकी स्किन को ब्राइटनेस देने का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में चमक आती है, आपकी स्किन में ग्लो आता है और आपकी स्किन धीरे धीरे रिजुविनेट होती हुई डेड सेल्स को हटा करके नए सेल्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं इसके अंदर पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके अंदर अल्फा आर्बुटिन है जो कि स्किन वाइटनिंग का काम करता है, विटामिन सी है जो एंटी एजिंग का काम करता है, कॉजिक डिप्लोमेट है जो कि हमारी स्किन को लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग देता है, नियासिनमाइड है, टिटेनियम डाइऑक्साइड है, मलबेरी एक्सट्रैक्ट है और इसी तरह के बहुत सारे नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं जो हमारी स्किन को लाइटनिंग देते हैं, हमारी स्किन की सेंसिटिविटी को रोकते हैं, हमारी स्किन पे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देते हैं, ताकि हमारी स्किन जो है वो एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टीज है उनको पा सके और एजिंग के जितने साइंस हमारे चेहरे पर हमारे शरीर पर नजर आते हैं उनको बहुत आसानी से दूर किया जा सके। सो मेक श्योर आज से ही अगर आप अपने रूटीन में एक अच्छा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हैं, एक बॉडी लोशन ढूंढ रहे हैं, सो क्रिस्टल ग्लो के स्किन ब्राइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन को जरूर ट्राई करें। इसे परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, और साथ ही साथ हमारा जो दूसरा चैनल है लवीशिया वेलनेस, जिसे सब्सक्राइब करने का लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, उसे जरूर सब्सक्राइब करें। उस पर हर रोज हम एक मोटिवेशनल वीडियो जो कि मेडिटेशन से रिलेटेड होता है, जो लाइफ की पॉजिटिविटी से रिलेटेड होता है, वो पोस्ट करते हैं, वो जरूर देखा करें, ताकि आप अपने चेहरे के साथ साथ अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को अपने दिमाग को भी कूल रख सकें, काम रख सकें, उसे खूबसूरत बना सकें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपका प्यार आप ऐसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।